यूपी में प्रयागराज के आजाद पार्क स्थित अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा से पानी का रिसना लोगों में कौतुक बन गया है। पार्क के सुपरवाइजर और सुबह शाम टहलने वाले शहरियों ने प्रतिमा के पास पहुंचकर रिसने पानी को देखा और कुछ लोगों का मानना है कि धातु की खोखली प्रतिमा में कहीं से पानी चला गया तो रिस रहा है, तो कुछ लोगों ने इसे शहीद चंद्रशेखर आजाद के आंसू बताया। वहीं उद्यान अधीक्षक उमेश चंद्र उत्तम का कहना है, जाड़े के दिन में ओस अधिक होने से ऐसा हो सकता है। प्रतिमा का रंग रोगन होना है जिसके लिए ग्वालियर से टीम आनी है। वहीं डीएम संजय कुमार खत्री का कहना है, प्रतिमा से पानी रिसने के बारे में जानकारी नहीं है। मेजा निवासी रजनीकांत ने पिछले दिनों यह दावा किया था कि कोरोना के दौरान लॉकडाउन के समय वो आजाद पार्क में गया था, वहीं प्रतिमा के पास सो गया था। सुबह जब उठा तो प्रतिमा के नीचे पानी गिरता पाया। वहीं एक बार फिर पिछले कुछ दिनों से रिसते पानी को देखे जाने की बात की जा रही है। उधर मूर्ति में पानी रिसने को चमत्कार बताते हुए इसे देखने के लिए पार्क में भीड़ उमड़ पड़ी है। कई लोगों ने इसे शहीद चंद्रशेखर आजाद के आंसू तक बता दिया। लोगों का कहना है कि आजाद की आत्मा रो रही है। बता दें ये प्रतिमा कई धातुओं से मिलकर बनाई गई है, लगभग 15 फीट ऊंची है। हालांकि पानी कहां से आ रहा है इस रहस्य का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि प्रतिमा हर तरफ से बंद है और इसमें पानी जाने का कहीं कोई स्रोत नहीं है। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियोज आप तक तुरंत पहुंच सकें।